नवरात्रि के पर्व को लेकर 10 दिवसीय नवरात्रि मेले का किया जा रहा आयोजन, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मथुरा नरी सेमरी मंदिर में 10 दिवसीय नवरात्रि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े ही धूमधाम के साथ माता की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। नरी सेमरी मंदिर में तीज के दिन होने वाली इस चमत्कारी आरती को देखने के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और इस चमत्कारी आरती को देखकर अपने आप को धन्य मानते हैं। कुछ इस प्रकार है माँ के मंदिर की कहानी। माँ की रखी शर्तें पूरा नहीं कर पाए भक्त दांदू। दातू भगत की पूजा से देवी माँ प्रसन्न हुई और भक्त के वर मांगने को बोली, जिस पर भक्त ने देवी माँ को आगरा प्रस्थान करने को आमंत्रित किया, जिसे देवी माँ ने स्वीकार किया। लेकिन देवी माँ ने भक्त दादू के सामने एक शर्त रखी, अगर रास्ते में तू जहाँ भी पीछे मुड़कर देखेगा वही विराजमान हो जाऊंगी। जिसमें आपके साथ मौजूद हूँ मथुरा से फिरोज यादव और इस समय हम मौजूद हैं नरी सेमरी मंदिर पर। आइए जानते हैं आगे महंत जी से क्या कुछ माता की प्राथमिकता है, किस प्रकार दानु भगत के द्वारा माता रानी को लाया गया। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। किस प्रकार माता रानी को दानु भगत के द्वारा लाया गया? ऐसी मान्यता है कि दानु भगत माता रानी को कांगड़ा से न्योता देकर आगरा ले जा रहे थे, तो उन्होंने शर्त ये रखी थी जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना, जहाँ पीछे मुड़ के देख लोगे वहीं मैं अदृश्य हो जाऊँगी। तो वो जो है उन्होंने यहाँ के पीछे मुड़ कर देखा, यहाँ अदृश्य हो गई माँ। हमारे पूर्वज थे ठाकुर अजीता सिंह, जो हमारे 700 साल पहले हमारे जो मंदिर मालिका ने उनके पूर्वज थे, उनको स्वप्न हुआ कि जो है मैं यहाँ हींस के पेड़ में विराजमान हूँ और मेरी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराई है। उन्होंने यहाँ पर सम्मत 1313 में मंदिर का निर्माण कराया और वही उन्हीं के वंशज यहाँ पे मंदिर की सेवा पूजा करते चले। बताया जाता है कि तीज के दिन आगरा वालों के द्वारा कुछ आरती भी? जी हाँ, तीज के दिन यहाँ आगरा वालों द्वारा भव्य आरती निकाली जाती है, जिसमें कपड़ा टांगा जाता है, उसके नीचे आरती लगाई जाती है, तो आरती की लौ ऊपर निकल जाती है लेकिन कपड़ा जलता नहीं। और ऐसी भी मान्यता है कि तीज के दिन कांगड़ा में मंदिर बंद रहता है। मान्यता यह है कि आज देवी माँ वहाँ से कांगड़ा से सेमरी आई हुई है। गांव का क्या नाम है? इस गांव का कैसे नाम पड़ा है? इस गांव का सेमरी नाम है, नहीं सेमरी है, सेमरी है। ये ऐसा सुनने में आया है कि कृष्ण भगवान की दो सखियाँ थी, नरी अलग गांव है, सेमरी अलग गांव है, तो सेमरी नाम जो सेमरी सखी थी इस गांव की, उन्हीं के नाम पर ये गांव का नाम सेमरी पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण की, हम भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। जैसा कि देखिए आपके महंत जी के द्वारा बताया गया कि कैसा लग रहा है?